हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का पोएट्री का सेकंड लेसन है, द ट्रू ब्यूटी, जिसका मतलब है सच्चा सौंदर्य। और इसको लिखा है थॉमस कैरियो ने। और इस पूरे लेसन का जैसे कि टाइटल है इसका है द ट्रू ब्यूटी, सच्चा सौंदर्य। तो पूरे पोएम में कवि ने यही समझाना चाहा है कि सच्चा सौंदर्य वास्तव में होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, ये फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोरली ब्यूटी, शारीरिक जो सौंदर्य होता है ये थोड़े समय के लिए होता है, बट इनर ब्यूटी इज एवर लास्टिंग ब्यूटी, लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य होता है वो सच्चा सौंदर्य है। दैट मीन्स जो बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है, उसी को पोएट ने सच्चा सौंदर्य माना है। तो चलिए इस पूरे लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ही दैट लव्स, वह जो प्रेम करता है अ रोजी चीक, गुलाबी गालों से। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। कोरल का मतलब होता है मूंगा, और कोरल लिप यानी मूंगे जैसे होठ। तो और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। यहाँ पे कहीं पे बिलव्ड वाली बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में, स्टार लाइक आइज, या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में, डथ सीक मीन्स तलाश करता है, सीक का मतलब तलाश करना, और डथ का मतलब डज है, मैंने बताया है कि डथ सीक का मतलब है तलाश करता है फ्यूल, ईंधन की, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की अग्नि को जलाने के लिए। तो और अ स्टार, आर फ्रॉम अ स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके तारों जैसे होठों की प्रशंसा करता है, या फिर उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि बुढ़ापे के दिनों में ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही बुझ जाती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बुढ़ापे के समय में ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही बुझ जाती है, अर्थात उनका प्रेम कम हो जाता है। अगर कोई सच्चे सौंदर्य नहीं बल्कि उसके शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है, तो उसका प्रेम ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर उसके तारों जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि बुढ़ापे के दिनों में ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही बुझ जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, जिसमें सच्चे सौंदर्य के बारे में कवि ने बताया है। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ का मतलब अस्थाई होता है, हमेशा एक समान रहने वाला। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से, स्टेडफास्ट का मतलब है मजबूत या दृढ़। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से, जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों से, काम डिजायर्स शांत इच्छाओं से, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय की प्रेमाग्नि,
किंतु नेवर डाइंग फायर्स कभी नहीं बुझती है। लेकिन बड़े स्मूथ एंड स्टिक फास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से, जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों से, काम डिजायर्स शांत इच्छाओं से, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन और बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय की प्रेमाग्नि किंडल नेवर डाइंग फायर्स कभी नहीं बुझती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां यह सब नहीं होता है, दैट मीन्स जहां पे स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर एंड इक्वल लव, जहां पे नहीं होता है। वेयर दीज आर नॉट, जहां यह सब नहीं होता है, आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, वहां मैं इन प्यारे गाल, होंठ और आंखों से घृणा करता हूं। यहाँ पे डिस्पाइज का मतलब है घृणा करना। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स और लिप्स और आईज, इन प्यारे गाल, होंठ और आंखों से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि बुढ़ापे के दिनों में ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। डिके मीन्स होता है नष्ट होना। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही बुझ जाती है। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से, जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों से, काम डिजायर्स शांत इच्छाओं से, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड और इक्वल लव दैट मीन्स बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय की प्रेमाग्नि किंडल नेवर डाइंग फायर्स कभी नहीं बुझती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां यह सब नहीं होता है, आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, वहां मैं इन प्यारे गाल, होंठ और आंखों से घृणा करता हूँ। दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel if you like my videos.